পশ্চিম বর্ধমান জেলার আসানসোল দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেটের কুলটি থানার বরাকর ফাঁড়ির পুলিশ টহলদারির সময় বরাকর নদীর পাম্প হাউসের পাশে এক যুবককে পাইপ গান ও একটি কার্তুজ সহ গ্রেপ্তার করে। বরাকর ফাঁড়ির পুলিশ গোপন সূত্রে খবর পেয়ে বরাকর নদীর মৌরিয়া পাম্প হাউসের পাশ থেকে ওই যুবককে গ্রেপ্তার করে। ধৃত নিয়াজ খান মনবরিয়া অঞ্চলের বাসিন্দা। বুধবার ধৃতকে আসানসোল আদালতে পেশ করা হয়। ধৃত যুবকের পরিবারের সদস্যদের দাবি, নিয়াজ খানকে ষড়যন্ত্র করে ফাঁসানো হয়েছে। নমস্কার, আনন্দ বার্তায় আপনাদের স্বাগত। আপনাদের নিউজ দেখার পর একটা লাইক এবং একটা শেয়ার করুন। ভালো ভালো নিউজ দেখতে পেজটি লাইক করে দিন। वह ये था, वो नदी गया था मछली पकड़ने के लिए और उसके पास में ही कोई गन रखा है, उसके पास में ही उसको दिया हुआ है किसी ने, मतलब उसके पास था नहीं पहले से, उसको दिया है और वो रखा है। और जैसे मतलब पुलिस गए हैं वहाँ पे सिविल ड्रेस में, उसके आसपास उनको क्या पता है कि किस लिए आए हैं। अगर उसका होता तो वो तो चौकन्ना रहता ना कि फेंक देंगे या कुछ करेंगे, तो उसका तो है नहीं पहली बार, पहले से साजिश किया हुआ है। और सबको वहाँ पे इतने सारे लोग हैं नदी में, किसी को तो पता नहीं है कि वहाँ पे पुलिस को कैसे पता चल रहा कि वो नियाज फंसाने की कोशिश की गई है वहाँ पे। कौन दिया था उसको हथियार? साजिद अख्तर। तो वो क्या अरेस्ट है? वो मतलब बहुत बड़ा दुश्मन है, वो फंसाने के बहुत दिन से कोशिश की, तो पहले भी 15 दिन पहले भी बोला है, जमीन का मामला था और पहले 15 दिन पहले से बोला था कि इसको तो हम ऐसे उठवा देंगे, ऐसे फंसाएंगे ना कि जेल से निकलने का ये नहीं रहेगा। अच्छा, ये जो डिटोनेटर जो आपके घर से, कहाँ से मिला? वो हम लोग का एक गार्डन है, वहाँ पे घर है और उसके पे वो खिड़की हमेशा खुला हुआ रहता है और वहीं पे डायनामाइट मिला है वहाँ से, और उस घर में कौन रख दिया? और उसके घर के पास में वहाँ साजिद अख्तर का घर है, वही रखा है वहाँ पे। आसानसोल थेके सौमित्र गांगुली, रिपोर्ट आनंद बार्ता।